नमस्कार, टेक वन देख रहे हैं आप। मैं हूं रोहित शर्मा। 10th क्लास का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है और सबसे पहले हम बधाई देना चाहते हैं तमाम उन छात्रों को जिन्होंने अच्छे प्रतिशत अंक लेकर जो है वो अपने माता पिता का, समाज का नाम रोशन किया है। उसी कड़ी में हमारे साथ चांद कुमार हैं, जो कि इनके पिताजी बावे मार्केट की बात करें तो यहाँ पर पान का जो है वो काम करते हैं, साथ साथ ये भी पार्ट टाइम जो है उनकी हेल्प करते हैं। चांद, कैसी रही आपकी जर्नी? सबसे पहले बधाई के पात्र हैं आप। कितने परसेंटेज आपने गेन किए और क्या कहना? मेरा नाम चांद कुमार है, मेरे 95.6 परसेंटेज आई 10th क्लास में। तो सबसे ज़्यादा थैंकफुल मैं अपने पेरेंट्स के लिए हूँ जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की मेरे मार्क्स में और मेरे सपोर्ट किया इतना ज़्यादा। और लाइफ जर्नी इतनी है कि बहुत मेहनत की। चांद, एक बड़ा स्कोर आपने किया है, 95.6 कहने को बड़ा आसान लगता है जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कड़ी मेहनत रहती है। पिताजी आपके यहाँ पर पान का काम करते हैं, काफ़ी मेहनत इनकी भी रही होगी आपको इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मेहनत तो करनी पड़ती है, रात रात को 1 बजे तक 2 बजे जाग के मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्वेश्चंस निकालने पड़ते हैं, थ्योरीज रिवाइज करनी पड़ती है, तो टाइम तो लगेगा ही। और जब इतनी मेहनत करोगे अगर परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं है फिर क्या फ़ायदा होगा? सोच के रखा था ये इतनी परसेंटेज, मैंने इतना बड़ा स्कोर जो है उसको गेन का गोल तो बड़ा रखा था लेकिन थोड़े कमी है उससे। अभी इससे भी ज़्यादा सोचा था, 98 प्लस ही सोचा था लेकिन कमी है थोड़ा सा। अब क्या स्ट्रीम लेना चाहोगे, क्या सोचा? अभी तो मेडिकल स्ट्रीम ली है। अभी मेडिकल स्ट्रीम, डॉक्टर बनना चाहते हो? मेडिकल डॉक्टर शुरू से सोचा था? डॉक्टर बचपन से सोचा था। क्या कहोगे, आज बड़ी खुशी का पल है, बेटे ने इतना बड़ा स्कोर जो है वो गेन किया है, 95.96 प्रतिशत नंबर लिए हैं, कितनी मेहनत आपकी रही और बेटे को क्या? बेटे के लिए तो बहुत अच्छा है, हम लोग ये सब खुशी की बात है। बड़े सर मेहनत भी बच्चे ने बहुत किया, सबसे पहले मैं सर शिवांग सर के आभारी बनूंगा जिन्होंने कि मेरे बच्चे की इतनी देखभाल की। और SP स्मार्ट हाइब्रिड स्कूल है, उसमें जो है कि सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करूंगा। साथ में बच्चे को भी कि आगे चल के, जैसे कि माँ बाप कोई भी कुछ भी मेहनत करता है बच्चे के लिए, और बच्चे का काम है कि माँ बाप का जो उस बात पे अमल रहना कि जो कि मैंने सोचा है मन में कि माँ बाप को लास्ट में खुशी हो। और लंबे समय तक की पढ़ाई करता, क्या आपके साथ भी मदद करता था दुकान पर? जी सर, मेरे साथ भी दुकान पर मदद करते हैं, खाना भी लेके आते हैं, साथ में कहीं आगे पीछे जाना आता तो इसको बैठाते हैं, काम भी करते हैं, काम से ज़्यादा ये पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि रात में 1 से 2 बजे तक देखते हैं तो घर में जो लाइट जली रहती है और ये पढ़ते रहते हैं। दिन में आपके साथ काम, रात को इतनी मेहनत, क्या कहोगे आज जो मुकाम इसने हासिल किया है, खुशी का पल है। सोचा था आपने कि इतने बड़े नंबर लेकर ये आज आपका नाम रोशन किया? जी, हम तो सोचे थे कि ये स्कूल में टॉप आए, लेकिन जो है फिर भी हम खुश हैं, इससे जो है ना बड़ी खुशी की बात है कि इतने परसेंट बच्चे ने लाया, बच्चे को आगे भविष्य के लिए वो खुद सोचेंगे। और मेरी पूरी कोशिश है कि हम इसको जो डॉक्टर बना के रखें। डॉक्टर बनाने का सोचा आपने, ये लगातार आपकी मेहनत, आपके साथ मदद भी करवाते हैं जी। उसके बाद काफ़ी मेहनत आपने भी जो है अपने इस काम को, व्यापार को चलाने में, हम भी काफ़ी समय से आपको देखते हैं, कहीं पर होते हैं, अपना काम करते हैं। क्या मैसेज रहेगा तमाम उन बाकी माता पिता के लिए जो कहीं ना कहीं छोटा काम करते हैं, शर्म करते हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, उसी काम में जो है बच्चों को उलझा देते हैं, उनके लिए क्या संदेश? उनके लिए संदेश है कि ये गलत बात है, बच्चे को एक बार मौका दीजिए। मम्मी पापा का काम है कि मेहनत करना और बच्चे का काम है पढ़ना, तो वो भी अपने बच्चे पे थोड़ा ध्यान दे, काम के साथ साथ जो है ना थोड़ा काम पे भी ध्यान दे, पढ़ाई के साथ काम पे भी ध्यान दे तो अच्छी बात है। मैं तो बहुत खुशी हुआ सर, बच्चे अच्छे नंबर लाए इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और बच्चे को भी ऐसा मेहनत किया बच्चों ने तो अच्छा नंबर आए, और क्या कह सकते हैं। साफ तौर पर आप देखना चांद कुमार, ये बच्चा है 95.6 परसेंट जो है 10th क्लास में से बच्चे ने लिए, अपने पापा की हेल्प भी करता, साथ साथ पान का काम है इनका और डॉक्टर बनने का जो इन्होंने ठाना, साथ ही साथ इनके पिताजी है उन्होंने भी ठाना है कि इस बच्चे को जो है वो डॉक्टर बनाकर ही सांस लेंगे, और तब तक जितनी मेहनत जितनी कोशिश उनसे हो पाएगी वो करेंगे, साथ साथ बच्चा भी उनके विश्वास पर खरा उतरते हुए जो है साफ तौर पर कह रहा है कि मैं जो उनके डॉक्टर बनने का सपना उसको ज़रूर पूरा करूँगा। बाकी भी अन्य अपडेट्स को आप डिस्ट्रिक्ट प्राप्त करने के लिए भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728252663। तो तुम सवाल के साथ रोहित शर्मा, टेक वन। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।